So, yo भाई लोग, कैसे आप सभी लोग और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना AK टेक्निकल पॉइंट। एंड गाइज, आज AK टेक्निकल पॉइंट यानी कि AK यानी कि आरिश, जो सपना मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था, आज वो मेरा सपना जो है पूरा होने वाला है। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं सब चाहते थे कि मेरा सपना पूरा हो। मेरा सपना था कि मैं भी कभी लाइव स्ट्रीम करूँ चैनल पर, तो उसके लिए मैंने लिया एक लैपटॉप परचेज किया मैंने, बट स्टिल लैपटॉप इतने पावरफुल्स नहीं होते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपको ये लैपटॉप गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हो तो अपना डिसीजन यहीं पर छोड़ दो, एक पीसी बिल्ड करवाओ, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से रह जाओगे यार अगर एक पीसी बिल्ड करवाते हो, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जिस चीज़ का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, ग्राफिक कार्ड। और ये जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, मैं इस ग्राफिक कार्ड को करीबन 5-6 महीने से देख रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला ग्राफिक कार्ड। आप इससे अपग्रेड भी ले सकते हो, इससे छोटा भी ले सकते हो, बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद था OC एडिशन वाला, यानी कि ओवरक्लॉकेबल है, हम इसको ओवरक्लॉक भी जो है कर सकते हैं। और ASUS का यार, ASUS जो कंपनी है ना, बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। और अगर आप लेने की सोच रहे हो कोई मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड आप लेना MSI का। अगर आप MSI का मदरबोर्ड लेते हो तो बहुत बेस्ट होने वाला है, उसके अंदर i5 8th जनरेशन 86K की जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं सब बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि बॉटल लैक नहीं करता है अगर आप एक अच्छा ताकतवर ग्राफिक कार्ड लगा देते हो उसके साथ, ठीक है? तो ये है ASUS का ग्राफिक कार्ड। अब आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है? आपको बताया आपके भाई की पसंद अच्छी है, अच्छा ही ग्राफिक कार्ड लिया होगा। ये है मेरा PC का, मैंने सब कुछ जो है ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो मैंने परचेज़ किया एक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, कैबिनेट, मॉनिटर और माउस के, और सब कुछ मेरे पास पहले से ही था। और भी जो पावर केबल्स वगैरह हैं, पावर सप्लाई वगैरह हैं, मैंने लगाई 65 वॉट्स की पावर सप्लाई लगाई मैंने, तो कूलर मास्टर की, कॉर्सर की, और जो फ़ैन वगैरह कूलर मास्टर के मैंने यूज़ किए हैं। तो आप बताएं आपको कैसी है। बट आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने प्यारे ग्राफिक कार्ड की, क्योंकि इसकी डिलीवरी मेरे को आज ही मिली है, आज ही आया है, और बहुत अच्छा है यार। मेरे को तो ये ग्राफिक कार्ड चाहिए था। आप सभी लोग अगर मेरे साथ सजेस्ट करते हैं, अगर PC बनवा रहे तो ये वाला ग्राफिक कार्ड लगाएं, बट अगर आप सभी को कोई और सा पसंद है तो अपनी पसंद के साथ जाएं। मुझे जो पसंद था मैं तो उसकी अनबॉक्सिंग आज आपको दिखाने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आपको कौन सा पसंद है और आप किस कौन से को जो है लेना चाहते हैं। ओके, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ आपको। और बेसिकली इसका जो ऊपर वाला कवर है ना, वो आधा ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा ग्रीन है तो ग्रीन स्क्रीन में अच्छा हो जाता, तो मैंने इसको पैकेट के अंदर से जो निकाल लिया। बट मैं आपको पैकेट के ऊपर वाला पार्ट जो है दिखाने वाला हूं, पैकेट वहां पड़ा है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, यो भाई लोग, अब आप सभी यहां पर देखिए गेमिंग की बीस्ट GTX 1060 6GB वाला वेरिएंट। मैंने बहुत वेट किया है इसका, बहुत ज़्यादा वेट किया है यार। मेन चीज़ बेसिकली आप सभी को मैं बताऊँ, मेन चीज़ यार हमारी गेमिंग की, यार PC के अंदर जो ग्राफिक कार्ड ही होता है, अगर हम ग्राफिक कार्ड एक अच्छा सा परचेज कर ले तो यार दिल को बहुत खुशी मिलती है। और ये ग्राफिक कार्ड से मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी जो भी करने वाला हूँ अब चैनल्स पर, काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँगा। और PC की भी और जो मेरी चीज़ें आने वाली है, बेसिकली ये सब कुछ मैंने जो ऑनलाइन परचेज किया है, तो आप चाहे तो उसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। बट गाइज, मैंने सब कुछ ऑनलाइन परचेज किया है, बिकॉज बस कुछ रीजंस की वजह से मैं कुछ कहीं जा नहीं पाया, तो मैंने सब कुछ घर पे ही मंगवा लिया। तो अभी ग्राफिक कार्ड आया है, ग्राफिक कार्ड बेसिकली मैंने बहुत पहले मंगवा लिया था, तो उसको आने में कम से कम 1 वीक लग गया मेरे पास। तो चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने LG की मैंने मॉनिटर, कैबिनेट, प्रोसेसर, मदरबोर्ड सब कुछ मंगवाया। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, फिर हम एक पूरा PC बिल्ड करेंगे एक साथ, ठीक है? तो चलिए आज हम अपने GTX 1060 का जो है अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिखाना चाहूँगा इस ग्राफिक कार्ड की। यहाँ पर आप इससे VR सपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। मेरे को तो शुरू से यार यही पसंद था, इसीलिए मैंने यही परचेज़ किया है। वो आपकी मर्जी है आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड पसंद है। अब बजट के अंदर रहना है 31,000 के अंदर, यानी कि 30,000 रुपये तक, 31,000 रुपये तक अगर आपको कोई ग्राफिक कार्ड चाहिए, 31,000 रुपये तक सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है मेरी नज़र में। और ASUS का तो मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, एज़ यू नो वेल, आप सभी को पता है। तो
बस मुझे एसूस से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसीलिए मैंने एसूस का ही, मैं सोच रहा हूँ एसूस स्ट्रिक्स सीरीज़ का ही मदरबोर्ड परचेज़ करूँ, बट अभी मैं ऑरस और इसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़ हूँ तो आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए फटाफट हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जस्ट वेट गाइस। ओके ओके ओके, इसके अंदर एक और एसूस का बॉक्स, और यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, वो कुछ पेपर वर्क है, पेपर वर्क। ओके, और ये एसूस, इसको चलिए साइड में रखते हैं, वरना साइड में हो जा तू। और ये है हमारा एसूस का बहुत सुंदर सा, जिसके ऊपर एसूस लिखा गया है। यार मुझे एसूस से बहुत ज़्यादा प्यार है, सच में यार, रियली रियली बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। चलिए इसको मैं खोलता हूँ बिल्कुल प्यार से, और ये रहा मेरा GTX 1060 Ti का ग्राफिक कार्ड। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ और देखता हूँ असल में फील कैसी आती है अगर मैं इसको हाथों में ले रहा हूँ। तो भाई लोग बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार। वेट सेल मैं आपको एक बार खोल के भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है वेट। तो चलिए मैं इसको पहले साइड में रख देता हूँ, बहुत प्यारा ग्राफिक कार्ड। तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं, नीचे की ओर आपको इसके अंदर और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है अगर आप ग्राफिक कार्ड परचेज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ कंपोनेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने ग्राफिक कार्ड को, लेट मी शो यू, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, जिससे आप अपने ग्राफिक कार्ड की जो वायर्स वगैरह हैं सबको जो है स्टेबल कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से। तो एसूस की हैं, एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी हैं, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ग्राफिक कार्ड की सब कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह, आप यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं, और ये है GPU ट्विक ड्राइवर। ओके, तो दोस्तों अब ये ग्राफिक कार्ड के जो है ड्राइवर हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आप सभी को मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। Nvidia के ग्राफिक कार्ड के जो ड्राइवर हैं वो तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर आपको ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो जिससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ पे 1 ईयर प्रीमियम लाइसेंस देखने के लिए मिलेगा इस DVD के अंदर। तो आप 1 ईयर के अंदर ये वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अपने ग्राफिक कार्ड की हर चीज़ पे जो है नज़र रख सकते हो, यहाँ सबको बताया यार, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं, साइड में रखने के बाद अब DVD मिलती है, तो DVD की क्वालिटी कैसी है लेट मी शो यू। या DVD क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम है, एसूस की तरफ से है। तो चलिए हम इसको रखते हैं। ओके, यार वैसे DVD वगैरह कौन इतने ज़्यादा मायने रखता है, किसी को मायने नहीं रखते इतने, और मैं बहुत आराम से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरा पहला प्यार है, ठीक है। और ये हमारे एसूस की स्पीड सेटअप के कुछ ग्राफिक कार्ड के यूज़र मैनुअल्स, सबको पता है कैसे यूज़ किया जाता है सब कुछ ऑब्वियसली। अब मैं जब PC बिल्ड करूँगा तो आपको बता ही दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं, इसमें साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले अगर आपने ग्राफिक कार्ड को ओपन करना है ना, तो इस बॉक्स के ऊपर ओपन कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है यार, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ होती है इस बॉक्स के ऊपर ग्राफिक कार्ड को ओपन करना। ओके, तो जो ग्राफिक कार्ड जिस पैकेज के अंदर आता है, ये पैकेज भी इतना, मतलब कि क्वालिटी इतनी अच्छी है ना यार, हर चीज़ की मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पॉलीथीन टाइप की लगाई गई है, लेट मी शो यू, मैं इसको ज़रा हटा दूँ। अरे हट जा रे मुन्ना, हट जा, हमको ज़रा दिखा दे मेरा, जिसके लिए मैंने इतने दिनों से वेट किया, जिसके लिए मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ने वेट किया, वो चीज़ मेरे को दिखा दो, दिखा दो, मैं देखने के लिए बेताब हूँ, दिखा दो, दिखा दो, हाँ हाँ हाँ। अरे यार इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पता नहीं फंसा फसू के रखा गया है, मेरे को नहीं पता इतना क्यों इसको फंसा फसू के रखा गया है, बट स्टिल इतना फंसा फसू के रखा गया है, बट आई डोंट नो कि इतनी भी ख़तरनाक पैकिंग नहीं करनी चाहिए यार, बट इतनी ख़तरनाक पैकिंग होती है ग्राफिक कार्ड्स की, आई डोंट नो वाई, बट स्टिल ये है हमारा एसूस का ग्राफिक कार्ड, ओ यू एडिशन वाला। तो देखिए आप कितना सुंदर ग्राफिक कार्ड है, ये जो जब ये चलता है तो इसकी आउल की आईज़, ये मतलब आउल की आईज़ से मेरा मतलब है, जब ये ग्राफिक कार्ड चलता है तो ये उल्लू की आँख जैसा दिखाई देता है,
यहाँ के कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक HDMI पोर्ट है, आप सभी यहाँ पर देखिए, लेट मी शो यू, यहाँ पर एक HDMI पोर्ट है, डायरेक्ट टीवी मोड है, और यहाँ पर आपको एक और पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है G4 GTX, और यहाँ से तो हम आपको पता है अपने GTX को लगा सकते हैं। और बैक पैनल में आपको यहाँ पर Asus की ब्रांडिंग मिल जाती है, यानी कि पूरा जो ग्राफिक कार्ड है बिल्कुल कवर है, आपको बिल्कुल कवर देखने के जो है मिल जाता है, बिल्कुल कवर ग्राफिक कार्ड है। ओके ओके, तो बहुत शानदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला ग्राफिक कार्ड। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस ग्राफिक कार्ड को तो ज़रूर से परचेज़ करें, मैं तो रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, या जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप उसकी राय से चल रहे हैं तो बहुत बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको ज़्यादा पसंद है, आप कौन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट स्टिल अगर हम इसको इस तरीके से G4 GTX लगाते हैं तो बहुत इस तरीके से G4 GTX लगाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। और ऑल गाइस वाला मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला मॉडल, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। बाकी आप सभी लोगों की राय आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, क्या आपको भी ये वाला ग्राफिक कार्ड परचेज़ करना है या नहीं। ये मेरा PC के ऊपर पहला कदम, यानी कि मेरी पहली अनबॉक्सिंग मेरे PC बिल्ड की, और ये मैं अपना ग्राफिक कार्ड जो है लगाने वाला हूँ अपने PC के अंदर। अब आपको पता चल गया मैं अपने PC के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप भी यही वाला यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और दोस्तों चैनल पर नया तो बिना सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज़ाना गेमिंग एंड टेक से रिलेटेड वीडियोज़ कर आता रहता हूं। तो मिलता हूं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।